हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे गाइस, और हम सब भी ठीक है। तो भाई आज जैसे ही सुबह उठा तो देखा कि एक आंख में आई फ्लू हो चुका है, उसके लिए मैंने चश्मा भी ले लिया क्योंकि बच्चों को ना हो, इसलिए क्योंकि आंख ना दर्द कर रही बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी पत्थर डाल रखे हैं आँखों में, वो चुभ रहे हैं और बहुत ज़्यादा, और ऐसा देख रहे हैं तो पूरे आँखों में पानी पानी आ रहा है। तो ये देखो मेरे को यही वाला चश्मा मिला है जो हस्बैंड का था, जब वो नाइट में जैसे गाड़ियाँ चलाते थे ना, स्कूटी वगैरह, तो तब पहनते थे ये, तो मैंने पहन लिया कि ताकि मेरे बच्चों को ना हो। और देहरादून में इस टाइम आई फ्लू खतरनाक चल रहा है, और डेंगू भी होता है यहाँ पे बरसात के मौसम, लेकिन आई फ्लू ज़्यादा। तो इस बार मेरे को भी पता नहीं कहाँ से लग गया है, और एक आँख में लग गया, ये आँख पूरे रेड हो रही है, फ़ोन में धुंधला दिख रहा है, और दर्द कर रही बहुत ज़्यादा। इससे लगा के थोड़ा सा सुकून हो रहा है, आँख में पानी नहीं आ रहा, बिकॉज़ घर में बच्चे हैं तो इसलिए। तो देहरादून में इस टाइम चल रहा है आई फ्लू, और मेरे को पता नहीं कहाँ, मैं इतना बाहर तो जाती हूँ लेकिन इधर मोहल्ले में ऐसे किसी को है ही नहीं कि आई फ्लू होगा, लेकिन मेरे को हो चुका है एक आँख में। मतलब रात दो तीन दिन से दर्द हो रहा था, खुजली हो रही थी आँखों में, तो मुझे लगा कि ऐसे ही हो रहा शायद कुछ ना, इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो मुझे लगा कि मैं फ़ोन देख रही हूँ या वीडियो एडिटिंग ज़्यादा देर तक बैठ रही हूँ, तो इस चक्कर से हो रहा होगा। तो मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए अभी सूजी का हलवा, और इधर भाई भी तो उठ ही गया, उठ क्या गया, वो हमसे पहले उठा था, छुट्टी है बच्चों की और हम उठे 9:30 बजे, भाई तो सुबह का उठा है, तो अभी वो नहा धो के पूजा कर रहे हैं, और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए सूजी का हलवा, और अपने लिए बनेगी रोटी सब्जी, सब्जी रात की है, रोटी बनेगी। छत पे जॉगिंग करने 10 बजे कौन करता है जॉगिंग हैं? अब वो तो सुबह सुबह उठ के करते हैं जॉगिंग, जब तू सुबह उठ गया था, आज ये भी सुबह उठ गया था मामा के साथ साथ, और बाहर बैठा हुआ था अपना मुंह हाथ धुल के, किताब निकाल के पता नहीं क्या देख रहा था, तो सुबह उठ के कर लेता जॉगिंग। अब अभी क्या करेगा, दो मिनट में नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाना, मैं तेरे लिए नाश्ता बना रही हूँ, ठीक है? कहाँ गया जॉगिंग करने वाला? ये देखो दौड़ मार रहा है, पता नहीं क्या भूत सवार है ना भाई, फौजी का खून है भाई, फौजी का लड़का है, इसलिए खून में ही है कि एक्सरसाइज जॉगिंग करना है। चलो आ जाओ अंदर, बस बहुत हो गया, चलो नहीं। बस आ जा, ज़्यादा भी मत मार, खाली पेट। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खाने में आज क्या बनाऊं, है ना, तो पूछते जरा भाई से और बच्चों से कि खाने में क्या खाओगे, तो वही बनाएंगे। हो रही है इधर सफाई स्टोर रूम में, और बुक्स वगैरह अच्छे से रखी जा रही, और दूसरा कहाँ गया? देखिए कल की बारिश से, रात की बारिश से हमारी पूरी छत गंदी हो गई। बिब्बू, गाइस आज हमारे घर में बन रही है स्पेशल डिश, और मामा चावल और कभी बनाएंगे आटा, तो देखते हैं कैसा बनता स्पेशल। इसके लिए ये वाले चावल होते हैं हमारे यहाँ, तो इनको पहले भिगाया जाता पानी में, फिर सुखाया जाता, और ये बना रहे हम, तो इस तरह का बैटर बना दिया हमने। तो हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि आटा तो बन नहीं रहा इसमें, तो हमने सोचा हल्का सा पानी डाल के इसमें, चावल में हल्का सा पानी डाल के, और इसको है इस तरह का बन रहा है, बनाने वाला ये है। पर नहीं, हम गुड़ बना रहे हैं, तो ये भाई हमारे यहाँ, मेरे यहाँ स्पेशल रवाई क्षेत्र में बनाए जाते हैं, और जगह भी बनाए जाते होंगे लेकिन मेरे यहाँ ज़रूर बनाए जाते हैं, तो अभी हम इसको तैयार करते हैं। तो हमारे यहाँ बोलते हैं इसको असके, और मुझे बहुत पसंद है, मुझे मतलब अपने यहाँ की गुड़ वाली चीज़ें बहुत पसंद है, मैं कोशिश करती हूँ अपने बच्चों को भी खिलाने की, और उनको भी पसंद आए, तो आज बनाते। माँ ने दिया था कि पीस के बना लेना, फिर थोड़ा थोड़ा करके बना लेना, लेकिन हमने पीसा ही नहीं, तो हम सोच रहे हैं कि आज बनाया जाए, और कुछ मतलब अलग से खाने का मन कर रहा था। तो ये होते हैं असके, जो चावल के आटे से बनते हैं, तो आटा तो हमारे पास बनानी है, तो हम वो चावल स्पेशल, इन चावलों को अलग से, जैसे मैंने बोला था, बनाया जाता है इन चावलों को, बारीक चावलों को, और फिर उसके बाद बनता है असके, तो हम मतलब दूसरा यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे भी करके बना सकते हैं, तो हम मिक्सी में हल्का पानी डाल के बना रहे हैं, अभी वही ग्राइंड कर रहे हैं, फिर बनाएंगे, फिर आपको भी दिखाएंगे। शुरू कर दी, तो ये हमने कद्दूकस कर लिया है गुड़, ये बैटर भी बन गया, ये कढ़ाई तो हमारे उसके लिए अलग से एक मिट्टी का बर्तन होता था, लेकिन क्या है हमारे पास नहीं, तो हम इसी कढ़ाई में बनाएंगे तेल, तो चलो अभी बनाते हैं।
उसको रख लेते ऊपर। तूने कद्दूकस नहीं करना था, वो छोटे छोटे टुकड़े। अब तेल डालते हैं। ये आँख थोड़ा बहुत ठीक हो गई यार, इस आँख में दोबारा से हो गया, मतलब एक ठीक थी और एक में हो गया, तो लेफ्ट हैंड की आँख में हो रखा था, राइट में नहीं, अब राइट में भी हो गया और लेफ्ट की थोड़ा बहुत ठीक हो गई। तो मैंने अभी कोई दवाई तो नहीं लाई है, लेकिन मैं ठंडे पानी से बार बार धुल रही हूँ और कंटिन्यू मैं जो गॉगल्स है उसको पहन रही हूँ, काम भी साथ साथ करती जा रही हूँ और ये पहन रही हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये तो ठीक हो गई और दूसरी वाली नहीं हुई। तो देखो ये भी ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आई ड्रॉप लाना पड़ेगा। गाइस बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसे ज़्यादा वीडियो मैं भी नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि मेरी आँखों में हो रहा दर्द, दोनों आँखों में दर्द हो रहा, चुभन सी हो रही, तो इसलिए मैंने सोचा कि ज़्यादा फ़ोन पे या ऐसे वीडियो भी नहीं बनाती, थोड़ी देर आँखों को रेस्ट देती हूँ, क्या पता ठीक हो जाएंगी जल्दी से दोनों आँखें। तो फिर आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और अपना ध्यान रखिए, ये आई फ्लू बहुत चल रहा है देहरादून में, तो खासकर क्योंकि बरसात के मौसम में कई बीमारियाँ होती, तो उसमें से एक आई फ्लू भी होता है, तो ध्यान रखिए अपना और अपने बच्चों का, और हमेशा खुश रहिए, और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय, और अपना ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए।